Now, let's move on to the last scene of this story, which is scene 6. So, in scene 6, we have following complex words. The first word is abruptly, jiska urdu mein hai achanak, While in English, it means suddenly and unexpectedly or shortly. The second word is furor over jiska urdu mein hai karna. While in English, it means a sudden, excited or angry reaction to something. The third word is contemptuous, jiska Urdu mein hai hakeer. While in English it means disrespectful. The next word is shoving. Jiska matlab hai While in English it means moving or pushing. The next word is indemnity. Jiska matlab hai While in English it means insurance. The next word is numbly. Jiska matlab hai ke While in English it means expressionlessly. Then the next word is transistors. जिसका उर्दू में भी मतलब ट्रांजिस्टर ही है वाइल इन इंग्लिश इट मीन्स अ सेमी कंडक्टर डिवाइस विथ थ्री कनेक्टर्स द नेक्स्ट वर्ड इज वर्ल्ड जिसका मतलब है बवर वाइल इन इंग्लिश इट मीन्स टर्न और रोटेटेड द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इज स्टम्बलिंग जिसका मतलब है उलझना या ठोकर खाकर गिरना या फिर ठोकर खाना वायल इन इंग्लिश इट मीन्स फॉल और हेजिटेट द नेक्स्ट वर्ड इज श्रीकिंग जिसका मतलब है परेशान कुन जबकि इंग्लिश में इसका मतलब है येलिंग क्राइंग और स्क्रीमिंग द नेक्स्ट वर्ड इज पाउंडिंग जिसका मतलब है पिटाई वाइल इन इंग्लिश इट मीन्स बीटिंग द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव इन सीन सिक्स इज स्टॉकिंग जिसका मतलब है ढेर लगाना वाइल्ड इन इंग्लिश इट मीन्स पाइलिंग और लोडिंग द सेकेंड लास्ट वर्ड इन सीन सिक्स इज वर्कअप जिसका उर्दू में मतलब है जज्बाती वाइल्ड इन इंग्लिश इट मीन्स थ्रिल्ड द लास्ट वर्ड इज गैस्प जिसका मतलब है हाँपना वायल इन इंग्लिश इट मीन्स ब्रीथ सो द सीन सिक्स बेसिकली फोकस ऑन द करैक्टर ऑफ नॉर्माम सो दिस सीन स्टार्ट्स विन नॉर्माम शी पिक्स अप दैट बटन यूनिट एंड शी ओपन इट विद द की नाउ शी कॉन्स्टेंटली स्टेयर्स एट दिस बटन यूनिट और वो सोचती है कि दिस इज जस्ट अ मीनिंगलेस बटन और वो इस पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है और थोड़ी देर के बाद वो बटन को एकदम से प्रेस करती है और कहती है कि ये मैं हमारे लिए कर रही हूँ अब इसके बाद उसके अंदर खौफ़ की एक लहर दौड़ती है और उसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकलती है और फिर वो सोचती है कि ये एक बहुत ही फजूल चीज़ है इससे कुछ भी नहीं हुआ और वो ये कहते ही शी थ्रोज़ दैट बटन इन टू वेस्ट बास्केट अब उसके बाद वो तैयार होने के लिए चली जाती है और फिर वो वापस आके स्टिक्स बना रही होती है और इतनी ही देर में शी रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम लिनक्स हिल हॉस्पिटल जहां उसको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसके हस्बैंड हसबैंड और डेथ हो गई है एक सबवे एक्सीडेंट में यानी कि उसके ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई है जिसके बाद सुन के उसके होश ही उड़ जाते हैं अब अचानक उसके माइंड में ये बात आती है कि ऑर्थर की लाइफ जो है उसकी इंश्योरेंस हुई हुई थी जो कि पच्चीस हज़ार की थी जो कि उसकी मौत पे उसको डबल अमाउंट मिलना था यानी कि फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स अब इसके बाद वो अपने होश में नहीं रहती और गु़स्से की हालत में आके वो उस कचरे के डिब्बे से उस बटन यूनिट को वापस निकालती है और उसको बार बार तोड़ने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता वो अपनी उंगलियां काटती है और उसकी उंगलियां कट जाती हैं खून निकलने लगता है लेकिन वो बहुत अपने आपे से बाहर जा चुकी थी जब वो बटन टूट जाता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई तार नहीं लगी हुई और तब वो सोचने लगती है कि आखिर इसका कैसे कनेक्शन है और इतनी ही देर में उसको एक कॉल आती है जो कि मिस्टर स्टीवर्ट की तरफ़ से थी और वो मिस्टर स्टीवर्ट से कहती है कि really you यू वाकई लगता है कि आप अपने को जानते हैं। अब इस स्टोरी में ये लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग रखती है अब इससे हमें ये पता चलता है अगर हम स्टोरी को भी देखें तो ये मीनिंग काफी क्लियर होता है कि नॉर्मा असल में अपने हस्बैंड को जानती ही नहीं थी तब ही एक बटन यूनिट और ग्लास डूम को लेकर उनके दरमियान बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे अब नॉर्मा का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था लेकिन उसके हस्बैंड का बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव था वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऑर्थर बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहा था जिससे पता चलता था कि दे बोथ हैड डिफरेंट पर्सनैलिटीज़